जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पहला लेसन लिया था जापानी ज़ुबान का, वताशिवा शुजादिस अनातावा शकील दिस। मिसाल के तौर पर आपका नाम शकील है तो मैं कहूँगा अनातावा शकील दिस, आप शकील हैं। वताशिवा शुजादिस, मैं शुजा हूँ। करेवा हामिद दिस, कनोजोवा फरजाना दिस। वताशी का मतलब है मैं, अनाता का मतलब है आप या तुम, करे का मतलब है ही वो मर्द या लड़का, कनोजो का मतलब है शी वो लड़की या वो औरत। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। वताशी वा शुजा दिस, वताशी वा शुजा दिस। हमने बताया था के हर सब्जेक्ट के बाद लगता है एक पार्टिकल, उसको लिखते हा हैं पढ़ते वा हैं। तो वताशिवा शुजा दिस, मैं शुजा हूँ। दिस के मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अगर वताशिवा है तो यहाँ मैं हूँ हो जाएगा, दिस का मतलब हूँ हो जाएगा। अगर अनाता है तो अनाता वा हामिद दिस, यहाँ पे दिस का मतलब हो जाएगा या हैं हो जाएगा। करे वा शकील दिस, वो शकील है तो यहाँ दिस का मतलब है हो जाएगा। कनोजो वा फरजाना दिस, वो फरजाना है तो उसका नाम है हो जाएगा। तो दिस के मीनिंग सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जो हमने अहम बात पढ़ी थी वो ये थी कि सब्जेक्ट के बाद एक पार्टिकल लगता है और उसको कहते हैं वा, पढ़ते वा हैं लिखते हा हैं। और एक बात हमने पढ़ी थी मो का मतलब भी। करे वा गाक्से दिस, वो स्टूडेंट है। अनाता वा गाक्से दिस, तुम स्टूडेंट हो। वताशी मो गाक्से दिस, मैं भी स्टूडेंट हूँ। जब मो लगाते हैं तो फिर पार्टिकल वा नहीं लगता। मो भी पार्टिकल है तो मो और वा साथ नहीं लगता, या तो आप वा लगाएंगे या मो लगाएंगे। जब आपने ये कहना हो कि तुम भी स्टूडेंट हो तो आप क्या कहेंगे, अनाता मो गाक्से दिस, फिर वा हट जाएगा और मो लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये तो पिछला उसका रिवीजन था, कुछ हमने वर्ड्स भी आपको दिए थे। गाक्से का मतलब स्टूडेंट, सेंसे का मतलब टीचर, इसु का मतलब कुर्सी वगैरह वगैरह। आज हम आपको और वर्ड्स देंगे और आज हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। वो क्या है, मैं अभी हमने बनाया था। अच्छा, एक बात मैं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, बल्कि अक्सर इंस्टीट्यूट्स भी ये गलती करते हैं कि पहले रोमन में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, अगर आप रोमन कैरेक्टर्स में यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में अगर जापानी को लिखना शुरू कर देंगे तो आप कभी भी प्रोफेशनली जो है जापानीज़ प्रॉपरली नहीं सीख पाएंगे। हाँ, अगर आपको टूरिज़्म वगैरह के लिए जाना है, विज़िट के लिए जापान जाना है, या वक्ती तौर पर बस बेसिक अल्फ़ाबेट सीखने, तो उसके लिए तो आप सही है। लेकिन अगर आप संजीदगी से जापानी ज़ुबान सीख रहे हैं तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि हरगिज़ हरगिज़ भी रोमन कैरेक्टर्स में नहीं लिखें जापानी को। जापानी को हिरागाना से लिखना शुरू करें। अगर आपको हिरागाना नहीं आती तो हमारे पिछले लेसन जो हिरागाना पे हमने कोई 7 लेसन किए हैं, उनको आप रिवाइज़ कीजिए और अपने हिरागाना को मजबूत कीजिए। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ जी मुझे हिरागाना पूरी तरीके से आ गई है, तब जो है वो आप लिखाई शुरू कीजिए। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपको हिरागाना जब पक्की हो जाए आपकी, तब आपने ये जुमले बनाना शुरू करना है। वरना अगर आप इन जुमलों को रोमन में लिखते रहेंगे तो कभी भी नहीं सीख पाएंगे जापानी। बाकी आगे आपके अपनी मर्जी है। तो हम क्या बात कर रहे थे, वताशिवा शुजा दिस, ये तो हम पढ़ चुके हैं। वा और मो हमने पढ़ लिया। आज हम एक पार्टिकल पढ़ेंगे का। का का जो है, अगर आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा क्या। जापानी ज़ुबान में कोई भी सवाल करें तो उसके आगे का लगता है। हर यानी अगर किसी जुमले के आगे का लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सवालिया जुमला है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी लिखा वताशिवा शुजा दिस। ठीक है, मैंने अभी लिखा वताशिवा शुजा दिस। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या है, मैं शुजा हूँ। वताशिवा शुजा दिस, मैं शुजा हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको सवालिया बनाना हो कि मैं शुजा हूँ क्या, क्या मैं शुजा हूँ, तो क्या होगा, सिंपली
का लग जाएगा, सवाल निशान लगा दिया। वतशिवा शुजा दिस का, मैं शुजा हूँ क्या, तुम स्टूडेंट हो क्या, क्या हो जाएगा, अना तावा स्टूडेंट को हमने क्या पढ़ा था, गाक्से दिस का, ठीक है, अनतावा गाक्से दिस का, तुम स्टूडेंट हो क्या, ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि जुमले को सवालिया बनाना हो तो उसके आखिर में हम का लगा देते हैं, ठीक है, जिस तरह हम उर्दू में करते हैं, तुम स्टूडेंट हो क्या, अगर हम क्या हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तुम स्टूडेंट हो, एक स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके आगे क्या लगा देंगे, तुम स्टूडेंट हो क्या, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक सवाल है कि क्या तुम स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट सवालिया बनाने के लिए, किसी भी जुमले को सवालिया बनाने के लिए, जुमले के आखिर में हम का लगा देते हैं, ये एक सिंपल तरीका है सवाल बनाने का। अच्छा, अब इसका जवाब क्या होगा, अगर मैंने कहना हो कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा, अनतावा गाक से जिसका, क्या आप तालिब इल्म हैं। अगर इसका जवाब मैं दूं कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, तो सिंपली हाँ के लिए जापानी ज़ुबान में हम उर्दू में कहते हैं हाई और जापानी कहता है हाँ, सॉरी हम कहते हैं हाँ और जापानी कहता है हाई, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है। हाई का मतलब है जी या जी हाँ, ठीक है, और ई ए का मतलब है नो, ई ए का मतलब है नो, हाई का मतलब है यस, ई ए का मतलब है नो। अच्छा, अब एक बात जो जहन में रखने की है वो ये है कि जैसे इंग्लिश में नो और नॉट में फ़र्क होता है। अगर मैं कहूँ कि जनाब मैं शुजा नहीं हूँ, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, नो आई एम नॉट शुजा, हम ये नहीं कहेंगे नॉट आई एम नो शुजा, ठीक है। तो नो का अलग मीनिंग है और नॉट के अलग मीनिंग है, बिल्कुल इसी तरह जापानी में नो के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ई ए, और ज़्यादा रवानी में जब होते हैं तो कुछ लोग या भी कहते हैं नो, वैसे या के मीनिंग थोड़ा सा नापसंदीदा होने की भी है, ठीक है, और यस के लिए कहते हैं हाई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप तालिब इल्म हैं, और आपने कहना हो कि जी हाँ मैं तालिब इल्म हूँ, तो आप क्या कहेंगे, हाई वतशिवा गाक्से दिस, हाई वतशिवा गाक्से दिस, अनतावा गाक्से दिस का, जवाब दीजिए, बिल्कुल ठीक है, अनतावा गाक्से दिस का, हाई वतशिवा गाक्से दिस। हाई जो है वो ना सिर्फ एक वर्ड है बल्कि एक एक्सप्रेशन भी है। जापानी ज़ुबान के बारे में आपको बता दूं कि एक्सप्रेशंस की ज़ुबान है, बॉडी लैंग्वेज की ज़ुबान है। जितना आप हाई को अपने सीने से बोलेंगे, इसका मतलब है आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, आप ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं सामने वाले को, और आप ज़्यादा अच्छा उसको तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अनतावा गाक्से दिस का हाई वतशिवा गाक्से दिस, ठीक है। ख़ासतौर पर जब आप जाते हैं किसी दुकान पर शॉप पर, तो आप सब कहते हैं हाई दो दो, हाई दो दो। अच्छा, इसके साथ साथ मुख्तलिफ फ्रेजेस भी हैं जो हम आपको रोज़ दो दो तीन तीन फ्रेजेस बताएंगे। मिसाल के तौर पे कोन्निचिवा, कोन्निचिवा का मतलब क्या है, कोन्निचिवा, कोन्निचिवा, कोन्निचिवा दिन के वक्त का सलाम है, कोन्निचिवा मतलब गुड डे, ठीक है। अगर सुबह में आपने किसी को सलाम करना है तो कहते हैं ओहायो गोजाइमस, ओहायो गोजाइमस, ये दिन का सलाम है, ये सुबह का सलाम है, और शाम को कहते हैं कोम्बांगवा, कोम्बांगवा। ये वा जो है पार्टिकल है, इसलिए इसको पढ़ते वा है और लिखेंगे हा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर हा लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं वा, ये सब वा जो है ये बेसिकली पार्टिकल है, इसलिए इसको पढ़ा तो वा जाता है लेकिन लिखा हा जाता है। कोम्बाम वा मतलब शाम का सलाम, ठीक है। ये तो फ्रेजेस हो गए, दो दो तीन तीन फ्रेजेस आप रोज़ करते रहेंगे और उसको याद करते रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्या आप तालिब इल्म हैं, अनतावा गाक्से दिस का, हाई वतशिवा गाक्से दिस, क्या वो भी तालिब इल्म है,
करेमोग आक्सेदिस का हाई करेमोग आक्सेदिस, जी हाँ वो भी तालिबिल में। कनोजोमोग आक्सेदिस का, क्या वो लड़की भी तालिबिल में है? हाई कनोजोमोग आक्सेदिस। ये तो हो गया पॉजिटिव आंसर, ठीक है, जब आपने कहना हो कि हाँ जी यस आई एम स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर आपने कहना हो कि नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ तो क्या कहेंगे आप? नहीं मैं तालिबे इल्म नहीं हूँ, इसके लिए आप क्या कहेंगे? हमने नो के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? ई, ए, ई में आप देखिए ध्यान रखिए कि लेफ्ट का कैरेक्टर स्ट्रोक जो है वो बड़ा होता है, राइट का स्ट्रोक छोटा होता है, लेकिन री में राइट का स्ट्रोक छोटा होता है और लेफ्ट का बड़ा होता है, तो ई और री में आपने फ़र्क को वाज़े करना है। ई ए का मतलब नो, वताशीवा गाकु से जा नाइदिस, गाक से जा नाइदिस, ठीक है। हम कहते हैं नहीं हूँ, जापानी कहता है जानाई, नहीं की जगह जानाई लगा दीजिए। जा अरिमासेन भी है, देवा अरिमासेन भी है, वो थोड़ा सा आगे जब हम वर्ब्स करेंगे तो अरिमासेन क्या है, अरिमस क्या है ये पढ़ेंगे, फिलहाल हमने इसको सिंपल रखा है। देखिए हमारा टारगेट क्या है कि कम से कम एनर्जी लगाएं, कम से कम अपना मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हासिल करें। अगर मैं आपको अभी से अरिमासेन और अरिमस पढ़ाना शुरू कर दूँगा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, बस ये याद रखें हम उर्दू में कहते हैं नहीं, जापानी कहता है जानाई, तो नई के आगे जा लगा दें बस तो नेगेटिव हो जाएगा। ई ए नहीं नो वताशीवा गाक्से जानाई दिस, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। ठीक है तो आज हमने क्या पढ़ा? नेगेटिव बनाना और क्वेश्चन बनाना, ठीक है। इसके हम और ड्रिल कर लेते हैं। अनातावा सेंसे दिस का, क्या आप टीचर हैं? आप कहेंगे ई ए वताशीवा सेंसे जानाई दिस, मैं सेंसे नहीं हूँ। अनातावा शकील दिस का, आप अगर शकील नहीं है तो आप कहेंगे ई ए वताशीवा शकील जानाई दिस। मैं पूछूं करेमो सेंसे दिस का, क्या वो भी टीचर है? आप कहेंगे ई ए करेवा सेंसे जानाई दिस, वो टीचर नहीं है, ठीक है। अब अगर आपने कहना हो हाँ मैं टीचर हूँ तो आप क्या कहेंगे? हाई वताशीवा सेंसे दिस, हाई वताशीवा सेंसे दिस, जी हाँ मैं टीचर हूँ। अब हम कुछ वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं, नए वर्ड्स मीनिंग आपको कराते हैं और थोड़ी सी आपको खांजी भी बताते हैं। खांजी क्या है? खांजी के बारे में हम अलग लेसन्स भी हम अपलोड करेंगे, फिलहाल हम थोड़ी थोड़ी खांजी के वर्ड्स आपको सिखाते रहते हैं। वताशी का मतलब है मैं, ठीक है। इसको हम जब खांजी में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे करके, ये क्या है? वताशी की खांजी, ठीक है। अच्छा हमने पढ़ा है हिरागाना, कताकाना, खांजी। एक और लफ्ज़ है फूरी गाना, फूरी गाना। फूरी गाना क्या है? फूरी गाना कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि जो खांजी लिखी होती है आम तौर पे बिगिनर्स के लिए या गैर मुल्कियों के लिए जो जापानी लिखी जाती है, जापानियों को मालूम होता है कि हाँ जी ये बिगिनर्स हैं अभी इनको खांजी अच्छी नहीं आती, तो उसके खांजी के ऊपर या नीचे जो है उसकी हिरागाना लिख देते हैं। तो ये हिरागाना जो खांजी के ऊपर या नीचे लिखी होती है उसको हम फूरी गाना कहते हैं, ठीक है। तो ये खांजी है वताशी की और ये उसकी फूरी गाना है। मैं फिर आपको एक दफ़ा लिख के दिखाता हूँ, ये किया आपने, ये स्ट्रोक लगाया, ये किया, ये किया, ये किया और ये कर दिया, ये हो गया वताशी, ठीक है। वैसे हम खांजी के अलग लेसन्स लेंगे और उसमें रोज़ की आपको 10 खांजी के कैरेक्टर्स सिखाएंगे, तो आप वो खांजी के लेसन अलग लेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम आपको जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन जो है कुछ कुछ अल्फाज आपको हम कराते रहेंगे, ठीक है। ये वताशी की खांजी है, ये वताशी की फूरी गाना है और ये जुमला क्या है? ई ए वताशी वा गाक से जानाई दिस, ठीक है। बात हो गई ई ए वताशी वा गाक से जानाई दिस। मैं फिर आप लोगों को एक दफ़ा बता दूं कि अगर आप जापानी संजीदगी से सीखना चाहते हैं तो हरगिज़ ये गलती मत कीजिए कि जनाब रोमन में लिखना शुरू कर दिया या उर्दू या हिंदी में लिखना शुरू कर दिया जापानी को। जापानी को आपने जापानी में ही लिखना है,
यानी हिरागाना में लिखना है, और जैसे जैसे आपको खांजी आती जाए आपने उस खांजी को इस्तेमाल करते रहना है, ठीक है। तो ये तो तरीका है जल्द से जल्द सीखने का। अच्छा, अब हम कुछ और वर्ड्स कर लेते हैं, इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। अना तावा सेंसेदिस का, क्या आप टीचर हैं? ये वतशिवा सेंसेजनाइदिस, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ। वतशिवा गाक्सेदिस, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मज़ीद हम कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स आपको देते हैं। ईशा, ईशा, शी के साथ छोटा या लिख दिया तो ईशा हो गया। ईशा का मतलब है डॉक्टर, ईशा का मतलब है डॉक्टर, ठीक है। मी जू, मीजू का मतलब है वाटर, ठीक है। खाबान का मतलब है बैग। ते, देखिए ते जो है वो आपके हाथ में भी ये ते लिखा हुआ है, ते, और ते का मतलब हाथ, या प्लूरल भी होता है जापानी ज़ुबान में, सिंगुलर और प्लूरल में कोई फ़र्क नहीं होता। हैंड्स भी कह सकते हैं आप, बैग या बैग्स भी कह सकते हैं। ते का मतलब है हाथ। मे का मतलब है आँख, आई या आइज, ठीक है। मीमी मतलब कान, ठीक है। अच्छा, आ ता मा, आतमा, आतमा मतलब हेड, ठीक है। आतमा मा मीन्स हेड। दामे, ये लफ्ज़ बहुत आप सुनेंगे, दामे 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 मतलब गलत है, ये ख़राब, नॉट ओके, नॉट गुड। दामे दामे अक्सर आप कहीं ऐसी जगह दाखिल होना चाह रहे हैं जहाँ पे दाखिला मना है, तो आपको आवाज़ लगा के कहेगा दामे दामे कुरे दामे हो दामे दामे देश, ख़राब है, गलत है, ठीक है। तो दामे का मतलब रॉन्ग, बैड, नॉट ओके, जो भी आप समझ लें। दामे का मतलब है गलत, ख़राब, नो नो, दामे दामे दामे, आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, मैं कहूँ दामे दामे दामे, यानी वीडियो मत बनाओ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास कुछ वोकेबलरीज। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और ग्रामर पढ़ाएंगे और आपको कुछ और वोकेबलरी के वर्ड्स देंगे। देखिए मैं आपको फिर रिवाइज़ कर दूँ कि जापानी ज़ुबान या कोई भी लैंग्वेज जो है वो कुछ नहीं है, फ़कत वोकेबलरी। 80% जो लैंग्वेज का है वो है वोकेबलरी, सिर्फ 20% ग्रामर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वो वोकेबलरी अपनी बढ़ाएंगे, अल्फाज का ज़खीरा बढ़ाएंगे, उतने जल्द से जल्द जो है वो आप लैंग्वेज सीखने के काबिल हो जाएंगे, बोलने के काबिल हो जाएंगे। तो ये रोज़ के हम कुछ वोकेबलरीज आपको देते हैं, इन वोकेबलरीज़ को कॉपी में वर्ड्स और मीनिंग के कॉलम बना के उनमें याद करना शुरू कर दीजिए। और रोज़ जो है वो, अगर मैंने आपको फार्मूला बताया था कि रोज़ के 20 वर्ड्स आप याद करें, 20 मिनट्स लिसनिंग करें, और रोज़ के 15 खांजी आप कर लें, तो आप 3 मंथ्स में आराम से N5 क्या है, हमने पहले बात की थी, JLPT N5 जैपनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो बेसिक लेवल है वो N5 कहलाता है, वो आप ओनली विद इन 3 मंथ्स कामयाब हो जाएंगे उसमें। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि सबसे पहले आप अपनी हिरागाना पक्की करें। हम खांजी के अलग लेसन्स लेंगे, वो भी अपलोड करते रहेंगे, वो भी देखते रहिए। काताकाना भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी करनी है हमने, लेकिन फ़िलहाल हम हिरागाना से शुरू करते हैं। काताकाना के लिए अलग लेसन्स अपलोड करेंगे, वो भी आप देखते रहिए। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।